to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बाद अब मायावती ने अपने एक कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वो कौन कैंडिडेट है, कौन सी लोकसभा सीट है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो उत्तर प्रदेश की अमरोहा की लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को अपना प्रत्याशी बना दिया है। डॉक्टर मुजाहिद हुसैन मूल रूप से गाजियाबाद के डसना के रहने वाले हैं। वो पेशे से BUMS डॉक्टर हैं और 2 साल पहले ही वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे। डॉक्टर मुजाहिद हुसैन की पत्नी बागेजहां डसना के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। बसपा के पश्चिमी यूपी की प्रभारी शमसुद्दीन रानी, नगीना के सांसद गिरीश चंद्र और जिलाध्यक्ष राम सोमपाल सिंह की मौजूदगी में बृहस्पतिवार को जोया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाए जाने का ऐलान किया गया। डॉक्टर मुजाहिद हुसैन का ऐलान होने के बाद बसपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस टिकट का विरोध शुरू कर दिया है और बाहरी प्रत्याशी घोषित करने पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए हाथों में तख्ती लेकर डॉक्टर मुजाहिदीन हुसैन का विरोध किया है। नाराज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए टिकट का बहिष्कार करके चले गए। आपको पता होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कुंवर दानिश अली सपा बसपा गठबंधन में यहां से जीते थे। 2009 में भी बसपा के टिकट पर राशिद अली ने यहां से जीत हासिल की थी। कुछ महीने पहले ही बसपा ने अपने मौजूदा सांसद दानिश अली को पार्टी से निष्कासित कर दिया था और यह सीट सपा बसपा गठबंधन में कांग्रेस के खाते में है और कांग्रेस से कुंवर दानिश अली के प्रत्याशी घोषित होने की संभावना है, इसलिए भी वो लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा ने तंवर कंवर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वह 2014 में इस लोकसभा सीट से थे, लेकिन 2019 में कुंवर दानिश अली से चुनाव हार गए थे। बसपा ने मुजाहिद हुसैन को अमरोहा लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि अमरोहा सीट क्या इस बार BSP के खाते में जाता है या फिर जिस तरीके से दानिश अली कांग्रेस का दामन थामकर चुनाव लड़ेंगे तो उनके खाते में चली जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी इस पर कब्जा कर लेगी। बताइए, धन्यवाद।